हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रूल डिस्कस करने वाले हैं नरेशन का, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्पेसिफिक रूल की बात करें, है ना, स्पेसिफिक रूल्स की बात करें बच्चों, तो स्पेसिफिक रूल्स में इसके पहले वाले वीडियोज को अगर आप देखें तो उन सब में हमने देखा है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव में रहा है। आज का जो स्पेसिफिक रूल हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरोगेटिव, कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो तब क्या होगा। देखिए, इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, सवाल पूछना, क्या क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन बच्चों हम दो तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जब मुझे जवाब यस और नो में मिलता है, और एक क्वेश्चन करते हैं जब मुझे जवाब डिटेल में मिलता है, जिसे हम WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। कैसे, जैसे देखिए, मैं अगर बोलूं आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जवाब मुझे किस में मिलेगा, या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में मिलेगा। तो जब मुझे जवाब हाँ और ना में मिले आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तब दैट इज व्हाट, यस नो। लेकिन इफ आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट और वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर सॉरी यू प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे मुझे आंसर किसे मिलेगा, एक्सप्लेनेशन होगा उसका, उसकी डिटेलिंग होगी, डिटेल में जवाब मिलेगा, दैट इज व्हाट WH क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है कि इंटरोगेटिव में एक यस नो हो गया, एक WH हो गया, तो सबसे पहले हम यस नो के ऊपर बात करते हैं फिर WH के ऊपर बात करेंगे। चलिए, क्या है यस नो, मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली यहाँ पे आंसर्स किस में मिलेंगे, आइदर इन यस और इन नो। देखिए, रूल नंबर वन, पहला क्या रूल नंबर वन क्या कहता है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में प्रीवियस रूल्स के अंदर यही स्टडी किया है कि अगर इनवर्टेड कॉमा हो, इनवर्टेड कॉमा तो रहेगा ही, जो रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कॉमा के अंदर है उस इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यहां पे बच्चों दैट के प्लेस पर किसका यूज होगा, इफ का या वेदर का, आप इसे अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। दैट के प्लेस इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या यूज करेंगे, या तो इफ का या तो वेदर का। दूसरी चीज कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अब समझिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज कर देंगे नो प्रॉब्लम, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं रहा। अगर हम उस इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते तो क्वेश्चन तो रहा नहीं, तो उससे जो साइन ऑफ इंटरोगेशन उसे हटा के हम फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए, रूल नंबर थ्री क्या है, रूल नंबर थ्री ये है कि इसके टेंस में जैसे पहले टेंस का यूज हो रहा था, जैसे प्रोनाउन था, वैसे ही यूज होगा टेंस एंड प्रोनाउन का। टेंस और प्रोनाउन में वैसे ही कॉमन चेंजेस होंगे जो हो रहे थे, उसमें कोई बदलाव नहीं हम कर रहे हैं। टेंस को हम जैसे चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, अगर वहां मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। तो इसमें इसके टेंस में एज कॉमन एज सिमिलर जैसे पहले चेंजेस होते थे वैसे ही चेंजेस होंगे, ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, चौथा रूल क्या हो सकता है, सोचते हैं जरा। चौथी बात ये कि अगर आस्क हो, सॉरी अगर से हो तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे आस्क, अगर सेज हो तो हो जाएगा आस्क, अगर सेड हो तो आस्क्ड, अगर सेड टू हो तो asked। लेकिन ध्यान रखना कि said to हो तो asked तो कर देंगे, इसके जगह पर हम और भी कुछ ले सकते हैं ऑप्शन के तौर पे, हमारे पास asked के जगह पर आप inquire of ले सकते हैं, inquire of को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, inquire of। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये चार रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है वो चेंज होगा किसमें, फुल स्टॉप में।
टेंस एंड प्रोनाउन में कोई बेसिकली जैसे पहले चेंज कर देते वैसे चेंजेस करेंगे. से का आस्क, सेस का आस्क, सेड का आस्क, सेड टू का आस्क और इंक्वायर ऑफ और इंक्वायर ऑफ. चलिए सेड का इंक्वायर ऑफ मत करना, आस्क का, से सॉरी सेड टू का. ठीक है अब हम कुछ एग्जांपल्स को उठाते हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे. चलिए एक एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं, आर यू प्लेइंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसी को पहले उठाते हैं. She said to me, she said to me, are you playing cricket? Are you cricket? ठीक है. She said to me, are you playing cricket? तो अब said to यहां पे किस में हो जाएगा, asked में. तो she asked me, अब मैंने बोला था कि if और whether दोनों में से कोई एक है ना, that नहीं लगेगा. She asked me if, अब are you playing cricket, सबसे पहले इसको are you playing को ये जो हमारा interrogative से affirmative में change करो, you are playing cricket. और अगर you are playing cricket है तो उसको यहां change करने क्या होगा, I, you किसके लिए आया है, me के लिए है ना, तो I was playing, तो कि ये किसमें present continuous, और हमें पता है present continuous किसमें चेंज होगा, past continuous में, क्योंकि हमारा reporting verb किसमें past में है. I was playing cricket है ना, I was playing cricket. अब यहाँ पे question mark नहीं रहेगा, हट गया. ठीक है जैसे मैं बोलूँ श्याम said to राधा और श्याम sorry श्याम said to राधा Have you visited Agra? ठीक है. श्याम said to राधा, Have you visited Agra? तो श्याम asked राधा if श्याम ने राधा से पूछा क्या तुम आगरा घूमे हो, क्या तुमने आगरा घूमा है. ठीक है तो श्याम आस्क्ड राधा इफ सी हैड, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें हो जाएगा पास्ट में, सी हैड विजिटेड आगरा. ठीक है देखिए कुछ करना नहीं है हमें, ये बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किल लगता है कि ये कैसे होगा. देखिए ये हमारा क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इस इंटरोगेटिव को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे इसमें अफर्मेटिव में. ठीक है अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए, बात खत्म. यू हैव विजिटेड आगरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू किसके लिए आया है, राधा के लिए, तो राधा का क्या हो जाएगा, शी. ठीक है तो सी हैड विजिटेड आगरा, बहुत सिंपल. तो करना कुछ नहीं है, जो इंटरोगेटिव है उसे ईमानदारी से आप उसे अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, जैसे ही चेंज कीजिए आपके लिए आसान रहेगा. तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं.